पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कितने दलित, कितने आदिवासी, ब्यूरोक्रेसी में कितने हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में कितने हैं, मीडिया में कितने हैं, सब पता लग जाएगा। और ये हिंदुस्तान के लिए क्रांतिकारी कदम होगा। देखिए, 70 साल पहले आजादी मिली, सही, आजादी में निर्णय लिया गया कि सबकी अब एक साथ प्रगति होगी। अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 70 साल हो गए, अब एक एक्सरे कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि भैया भागीदारी आज तक किसकी है, हम किसके हाथों में है, आदिवासियों के हाथों में है कितना है, बड़ी बड़ी संस्थाओं में कौन लोग बैठे हैं, आदिवासी बैठे हैं, दलित बैठे हैं, कौन बैठे हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि हमारा यहाँ पे 24 घंटा बेवकूफ बनाया जा रहा है। सर, हमारा 64 करोड़ डेटा मिल जाएगा, उसके बाद हिंदुस्तान की सच्ची राजनीति शुरू हो सकती है। ये हम करना चाहते हैं। पहला कदम हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जाति जनगणना, और ये जो 50% का रिजर्वेशन है, ये जो लिमिट डाल रखी है, इस लिमिट को हम हटा देंगे। अगली बार इसमें आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, छोटे पिछड़े वर्ग लोगों के लोगों को, सबको फायदा होगा। बीजेपी कहती है किसानों को हम MSP नहीं दे सकते। MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम। मोदी जी की सरकार किसानों को हाईवे पे रोकती है, सही बात है, गिर ठोक के दीवार बनाकर, सही बात है, सही बात है। वो क्या चाहते हैं, सिर्फ MSP चाहते हैं। उन्होंने कहा देखिए, आप सब लोगों को सही दाम दिलवाते हो, दुकान में कोई कुछ बेचता है उसको सही दाम मिलता है, चिप्स का पैकेट कितने का होता है, 5 रुपए का, 10 रुपए का, उसमें कितने आलू होते हैं, आलू कितने होते हैं, चिप्स का पैकेट दिखा के पूछा, उसमें आधा आलू होता है, आधा आलू दुकान में 10 रुपए का बिकता है, मगर जब किसान बेचता है तो आधा आलू कितने का बिकता है, किलो 5 रुपए में। तो किसान बस ये कह रहा है कि भैया हमें भी आलू के चिप्स का थोड़ा सा धन, थोड़ा सा पैसा दे दो, 25 रुपए किलोमीटर, आप पूरा का पूरा फायदा दूसरे लोगों को दे रहे हो। आलू के चिप्स का पैकेट 10 रुपए का होता है, आलू हमने उगाया तो नहीं, हमें 10 रुपए के, ठीक है 5 रुपए मत दीजिए, 2 रुपए तो दे दीजिए, 3 रुपए तो दे दीजिए, ये कह रहा हूँ। मोदी जी कहते नहीं, 10 पैकेट 10 रुपए के पैकेट में तुम्हें पैसे मिलेंगे, एक दो पैसा देंगे फेंक के तुम्हें, तो किसान गुस्से में। मोदी जी कहते नहीं देंगे, हम मैनिफेस्टो में लिख दिया हिंदुस्तान के सबके आरोप को कांग्रेस पार्टी दे रही है। असल खराब क्या नहीं देते सर, बोलो बोलो भैया, खुल के बोलो, असल खराब ही।